फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पंजाबी छोले भटूरे सबके जो फेवरेट है मैं बनाना बताऊंगी। इससे पहले मैं यहाँ पे आपको भटूरे की रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 400 ग्राम मैदा लिया है, 300 ग्राम जितना मैंने घर पर ही इस्तेमाल किया हुआ दही लिया है और 1/4 मैंने सूजी लिया है। फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से छान लेना है। और दूसरी बात, दही जो मैंने लिया है उसको हमें बार बार अंदर डाल के करना है, तो पर्टिकुलरली 300 ग्राम होगा ही, ये ज़रूरी नहीं है, पर मैंने यहाँ पे 300 ग्राम लिया है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके अंदर हमें जितना इस्तेमाल करना है वो ही बताएंगे। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैदा में जो है बिल्कुल से एकदम छान के ही लेना है, वरना अंदर इकट्ठे पड़ जाएंगे, तो इसको हमें छान के लेना है। वैसे तो सभी जो हमें आटे रहते हैं, जो भी रेसिपी बना रहे हैं, वो सब छान के ही लेते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली आपको बता रही हूँ। और सूजी जो है इसे आप भिगो भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसके साथ दही में मिक्स करेंगे तो फूलना है, इसके लिए मैंने 1/4 यहाँ पे सूजी लिया है। और साथ में मैंने यहाँ पे 1 बड़ी टेबलस्पून पीसी हुई चीनी ली है और इतने ही माप का मैंने 1 बड़ी टेबलस्पून खाने का सोडा लिया है। स्वाद के हिसाब से मैंने यहाँ पे थोड़ा 1 बड़े टेबलस्पून आप बता सकते हैं सादा नमक लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि जितनी आप चीनी लेते हैं उतना ही हमें खाने का सोडा लेना है। अभी हम चलो शुरू करते हैं डो बनाना। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने इस तरीके की पलट लिए। आप जो बोलते हैं बड़ा थाल भी ले सकते हैं, बड़ी थाली भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर में अपने जो मैदा है उसको हम छान लेंगे। मैदे को अच्छे से छानना है हमें। अच्छे से छान लिया है। अभी इसी के अंदर हमें सूजी को डालना है। सूजी को फ्रेंड्स ऐसे हल्के से मिक्स करता है, पहले ऊपर डाल देंगे इसे अच्छे से हम। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। सूजी और जो मैदा है एकदम से मिक्स हो जाना चाहिए। फिर अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसके अंदर हम नमक पहले डाल देंगे अच्छे से इसके साथ में, और इसे भी ठीक से मिक्स कर लेना है। हल्के हाथों ही कीजिएगा, कोई बात नहीं, ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हमें पीसी हुई चीनी जो डाली उसको भी मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बिल्कुल ही पानी नहीं डालना है और ना ही अभी दही डालना है। पहले हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद में ही हमें दही से ही इसे जमाना है, मतलब जो हमें डो बनाना है वो दही से ही इसको हमें बांधना है। अब इसके अंदर हमें खाने का सोडा डाल देना है पूरा इसे, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। देखिए हो जाता है पूरा एक से, ठीक से एकदम से मिक्स हो चुका है। अभी हमें पहले इसे गोल कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा हमें जो दही है सबके साथ में आना चाहिए इसीलिए। और ऐसे मिक्स होने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा दही डालेंगे और आटे को सबके साथ में मिक्स करते जाएंगे, ऐसे करते हुए सबको मिक्स करते जाएंगे। धीरे धीरे इसे मिक्स करना है फ्रेंड्स। जितना ऑब्जर्व होता है हमारा, आप जब डो को करेंगे तब वो पता चलेगा, हमारा जो ये सूजी है ना वो हमारे साथ में आता है ऐसे, तो पता चलता है कि ये वैसे कैसे हो रहा है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ही आपको डालना है। और फिर से इसे हम अच्छे से एक तरफ ला देंगे बीच में फिर से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा दही नहीं गिराना है और ना ही कम लेना है। फिर से इसके अंदर हम डालना है, 2-3 चम्मच डालते जाइएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा मत डालिएगा। अभी इसे भी अच्छे से ऐसे मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दबा के हुए, देखिए अच्छे से दबाते हुए, देखिए अच्छे से दबाते हुए लेके जाना है ऐसे, ऐसे करते हुए देना है थोड़ा थोड़ा। और जैसे जैसे अपना सूखा आटा है और सूजी और खाने का सोडा और चीनी जो भी इसके साथ में मिक्स होता रहता है उसको होने देना है ऐसे, अभी दबा दबा के लाना। अभी दही नहीं डालना है, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे दोस्तों, लेकिन पहले इसे हल्के हाथ ऐसे और एक ही डायरेक्शन में ऐसे दबा के। आटे का, भटूरे का, आटे का भुनने की जो रीत है उससे ही हमारे आटा कैसे भटूरा बनता है वो ही बन जाता है फिर। अभी देखिए यही तरीके से लेते जाना है, ये देखिए ऐसे लेते हुए, ये देखिए एकदम से ऐसे मिक्स करते हुए ही करना है। जो भी ऐसे परत होती है उसको हमें अंदर डालते जाना है ऐसे करते हुए। अभी थोड़ा सा 1 चम्मच में और दही डालूंगी फ्रेंड्स ऊपर,
नहीं डालना है, मिक्स करना है इसके साथ में हमें। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने 300 ग्राम दही लिया था और कितना इस्तेमाल हुआ है अभी इतना बचा है, इसी तरीके से हमें करना है। अभी इस दही के साथ में हमें सूजी को फुलाने के लिए कम से कम और एक दो मिनट के लिए ऐसे अभी मिक्स कर लेंगे इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारा डो बनता जाता है इस तरह से मुलायम सा होता जाता है। अभी इसको हमें और 2 से 3 मिनट और भूनेंगे, कम से कम ये 7 से 8 मिनट में फ्रेंड्स मेरा तो हो ही जाता है। ज़्यादा जैसे घूमती जाती हूँ तो वैसे ये देखे ना एकदम से हो गया है पूरा ऐसे। अभी थोड़ा और हमें इसको घूमना है, सीधे ही डायरेक्शन से घूमेगा फ्रेंड ऐसे होते हुए पूरा ऐसे अंदर लेते जाएंगे। अब इसके ऊपर हमें डालना है 1 बड़ी टेबलस्पून तेल। तेल के साथ में भी हमें इसे भूनना है, बराबर से भून लेना है क्योंकि जैसे जैसे हमारा दही और सोडा मिक्स होता जाएगा उसी तरीके से हमारा डो एकदम से मुलायम जैसे होता जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करते जाना है आपको पूरा तेल लेते हुए। जितना खिंचाई से आप करेंगे ना उतना बढ़िया बनेगा, क्योंकि हमें कटोरी के अंदर एकदम से मुलायमपन चाहिए, खिंचाई से इसको भूनते रहना है। ये देखिए एकदम से बढ़िया अपना डो बन चुका है। अब इसे हम एक बॉल में ले लेंगे फ्रेंड्स। ये बॉल ले लिया है मैंने, आप कोई भी घर पे जो अवेलेबल रहता है उसको ले सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और हमारा जो पूरा ऐसे डो है उसको अंदर उसके घुमा लेना है दबा दबा के, और पूरी तरह से उसे तेल के साथ में मिक्स होते हुए इसे रख लेना है। अभी गीले कपड़े से उसको हम ढक कर रख देंगे। गीला कपड़ा डालने की वजह यह है कि जैसे हमारा सूजी है वो फूलेगा इसके साथ में तो हमारा डो एकदम से रेडी हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम इसे प्लेट से ढक लेंगे। फ्रेंड्स, इसे हमें कम से कम 3 से 4 घंटे तो रखना है, आधे घंटे में आप बना सकते हैं लेकिन 3 से 4 घंटे तो हमें रखना ही है। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम इसे हम बनाएंगे भटूरे। 3 घंटे के आसपास हो चुके हैं फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा भटूरे का आटा कैसे हो चुका है। एकदम से बहुत ही बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, जब तक हमारा ये आटे का हमें लोहा करना है तब तक मैं तेल को भी गर्म करने के लिए रख लेती हूँ। फ्रेंड्स, ज़्यादा तेल को गर्म करना है, ये भटूरे की खास बहुत ही ज़रूरी टिप्स है और हमें एकदम से शुरू में हमें धीमी आंच पर रख रही हूँ। जब तक हमारे लोहे से बना के मैं भटूरे कर रही हूँ तब तक इसको धीमी आंच पर हम गर्म होने देंगे। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ध्यान रखिएगा उसे अंदर ही डालना है, जरा सा भी परत नहीं आनी चाहिए और ना ही उसके अंदर एक भी लाइन आनी चाहिए, ऐसी लाइन वगैरह कुछ भी नहीं आना है। तो ऐसे हमें इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, पूरे तेल को साथ में इसे मिक्स कर देंगे और हो सके तो ऐसे दो मिनट के लिए ऐसे उसे मिक्स करते रहिएगा और फिर उसके हमें लोहे निकालने हैं। देखिए फ्रेंड्स, एकदम से बढ़िया ऐसे हो गया है, इतना बढ़िया हमारा आटा बन चुका है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसका हमें लोहे कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं 3 भटूरे बना रही हूँ, बाकी का आटा मैं इसे ऐसे ही अभी वापस फिर से ढक के उसे रख लेती हूँ, बाद में फिर से मुझे बनाना है। तो अभी तीन इस तरीके के लोहे से हम बना लेंगे। अभी देखिए भाई, इसे भी अच्छे से इस तरीके से लेना है, पूरा अंदर ही लेकर लाना है और जैसे जैसे गोल करते हैं ना हम वैसे कर लेना है। देखिए ऐसे अंदर आ जाना चाहिए पूरा और इसे फिर वापस से रख देंगे इसे अंदर ऐसे करते हुए पूरा घुमा घुमा के लेना है। पूरे स्ट्रिप से उसे अंदर लेनी है फ्रेंड्स हमें और फिर उसे हल्के हाथ ऐसे चारों तरफ से करते हुए इसे गोल कर देंगे और फिर ऐसे देखिए जैसे दूसरा भी हो गया वापस इसे इस तरीके से लेना है और इसे अच्छे से अंदर तरफ। परत हमारी जो है ऐसी वाली ट्विस्ट नहीं जरा भी आनी चाहिए, ऐसे देखिए दबा दबा के ले लीजिएगा, अंदर ही लेना है और फिर उसे अच्छे से
कर लेंगे, वैसे रख लेंगे, अभी सभी बेल लेंगे। मैंने गैस किया, आज को हाई कर लिया है, क्योंकि जब तक हम बनाएंगे तब तक हमारा तेल भी एकदम से गर्म हो जाएगा। इसे अभी हम बेल लेना है। आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसे कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इतना बढ़िया आटा बन चुका है कि आपको मैं क्या बताऊँ, इतना बढ़िया बन चुका है कि हम इसे गोल गोल करते हुए भी इसे हल्के से बना लेंगे। जहाँ पे ऐसी बड़ी वाली रहती है आप दबा के भी ले लेना है। आप ऐसे संलग्न भी कर सकते हैं। अभी ऐसे हम तलने के लिए रख लेते हैं। एकदम से गर्म हो चुका है, जैसे ही होता है ऐसे से करते ही हमें कर लेना है। गैस की आंच को धीमी कर लेनी है, हल्का सा तेल उसके ऊपर डालते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम से मुलायम मुलायम से फूल चुके हैं हमारे भटूरे। अभी हम इसे निकाल लेते हैं और एक सरिंज इसमें ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एकदम से रेडी हमारे सॉफ्ट भटूरे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।